नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। कानपुर नगर के थाना कल्याणपुर के अंतर्गत एक चर्च में धर्मांतरण का मामला आया सामने। भाजपा के मंडल मंत्री डॉक्टर घनश्याम ने लगाए चर्च एवं चर्च से जुड़ी समिति पर गंभीर आरोप। भाजपा के मंडल मंत्री का कहना है कई वर्षों से चल रहा है यहां पर धर्मांतरण का कर। आप अपना क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर घनश्याम मिश्रा है। मैं मंडल मंत्री भारतीय जनता पार्टी हूँ, कल्याणपुर विधानसभा से हूँ। आज अभी लगभग 8 बजे हमें यह सूचना मिली कि गोवा गार्डन में एक एजुकेशन के नाम पर विद्यालय चलाया जा रहा है। हालांकि उस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य धर्म परिवर्तन कराना है। गत कई वर्षों से लगातार धर्म परिवर्तन का कार्य वहां पर चल रहा है। अच्छा, आज का क्या मामला था वहां पर? आज लगभग जो 8 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई, 200 उसमें ये पता चला लगभग 200 आदमी जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न जिले से आए हुए हैं, और ये सभी लोगों का मुख्य उद्देश्य धर्म परिवर्तन करना था, जिसमें हम सभी लोग यहाँ से पहुँचे और SHO साहब को भी, CO साहब को भी सूचना दी इस मैटर पर। और जैसे ही हम यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं, CO साहब और SHO साहब दोनों लोग वहाँ पर पहले ही पहुँच चुके थे, गेट बंद कर लिया। और गेट बंद करने के बाद अंदर आपस में क्या वार्ता हुई ये नहीं मालूम है। पादरी जी को ला करके यहाँ पर थाने में बैठा लिया गया, और कुछ लोग जो भागने का प्रयास कर रहे थे, मैंने उन लोगों को पकड़ा, और पकड़कर हमारे साथ लगभग 20-30 कार्यकर्ता थे। उनके सामने जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को यहाँ पर किस उद्देश्य से लाया गया है, तो उन्होंने बताया कि हमें 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया गया है, और एक वर्ष के लिए मुफ्त राशन देने का प्रलोभन दिया गया है, जिसके कारण से हम सभी लोग इस समय गरीबी की अवस्था में जी रहे थे, हम लोग इनके साथ में आए हुए हैं। हालांकि अन्य लोगों का कहना यह है कि वो संकीर्तन करने आए थे, कीर्तन करने आए थे, और उनके रोगों का इलाज वहाँ पर हो रहा है। ये सारी बातें गलत हैं, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का रोग का इलाज नहीं, बल्कि वो अय्यार। थाना कल्याणपुर के अंतर्गत गोवा गार्डन में विद्यालय की आड़ में संचालित किया जा रहा है चर्च में लगभग 100 से ऊपर गैर जनपद के पुरुष एवं महिलाएं मौजूद। जिला प्रशासन द्वारा नहीं करने दी गई चर्च के अंदर की स्थिति की कवरेज, जबकि चर्च के अंदर गैर जनपद के 100 से ज्यादा महिलाएं एवं पुरुष थे मौजूद। मैं उमेश भार्गव, अखंड हिंद न्यूज से, कानपुर नगर से। आपको बताते चले, अभी एक सूचना मिली कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चर्च है जिसमें धर्मांतरण की कार्रवाई चल रही है, कार्य चल रहे हैं, जिस पर बहुत हंगामा हुआ। मौके पर ACM 6 भी आए हुए हैं। कब से हमारे मीडिया कर्मी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि अंदर जो लोग हैं उनसे जो जानकारियाँ हैं कुछ मिल सकें, मगर मीडिया को अंदर जाने से रोका गया है यहाँ पर। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो स्थान दिखाएं जहां पर धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था। देख सकते हैं आप, जो कि एक स्कूल का नाम दिया गया है जिसके अंदर चर्च भी संचालित हो रहा है। इस चर्च के ही अंदर धर्मांतरण का काम किया जा रहा है, जो कि CO कल्याणपुर से भी मेरी फोन पर वार्ता हुई थी, जिस पर बताया गया कि 90 से 100 लोग फतेहपुर खागा से आए हुए हैं। इतनी सारी संख्या में एक जगह से लोग किसी चर्च में आना, ये वाकई में किसी अनर्गल कार्य की तरफ जाता है। जैसा कि CO साहब द्वारा मुझे बताया गया था कि वो लोग यहाँ प्रार्थना करने आए थे। क्या फतेहपुर जनपद में कोई चर्च नहीं है क्या, जो फतेहपुर से इतनी दूर, लगभग 100 किलोमीटर दूरी है इस कानपुर जनपद से फतेहपुर की, और यहाँ से वहाँ के लोग यहाँ पर आकर प्रार्थना करने आ रहे हैं, जो कि एक सोचने विषय। मैं कवरेज पर लगातार हूँ, हमारे साथ बने रहिए। कानपुर नगर जनपद के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी सवालों से बचते नजर आए एवं नहीं दी कैमरे के सामने कोई जानकारी।
चर्च पर सेक्टर मजिस्ट्रेट एसीएम 6 मौजूद चर्च के अंदर से निकले एसीएम महोदय से जब संवाददाता ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने नहीं दिया किसी भी सवाल का जवाब। क्या है हम बता देने के लिए कोई वो नहीं है, एसीएम है, आप क्षेत्र मजिस्ट्रेट है, आप नहीं बताएंगे? हम अथराइज नहीं है। कौन सर अथराइज है आप बता दें, हम उससे ले लें मैडम, कौन अथराइज है पता करें जिला प्रशासन। सर ये बताइए मीडिया को अंदर कवरेज करने जाने से क्यों रोका जा रहा है जिला प्रशासन? नहीं तो मीडिया को कवरेज करने से रोका क्यों जा रहा है सर ये बताएंगे आप? सर इन बातों से काम नहीं चलेगा। जिला प्रशासन कानपुर नगर एवं थाना कल्याणपुर का पुलिस प्रशासन कर रहा है मामले में लीपापोती। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है, एक और जहां उत्तर प्रदेश सरकार जबरन धर्मांतरण जैसे गंभीर अपराध को रोकने हेतु निरंतर गंभीर है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के कृत्य के सामने आने पर कानपुर जिला प्रशासन लगा है मामले की लीपापोती में। हेलो, मैं कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मामला आया है चर्च में धर्मांतरण का, चर्च के समुदाय के लोगों ने आकर थाने के बाहर ये भीड़ लगाई हुई, मैं कैमरामैन के माध्यम से कहूँगा, कैमरों की फ्लैश चालू हुई होते ही लोग यहाँ से कट रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं इस तरह किस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो उस समुदाय से संबंध रखते हैं। इनसे जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो ये लोग कोई जानकारी भी नहीं दे पा रहे हैं क्या है पूरा मामला, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर की तरफ ले चले क्योंकि यहाँ के जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं एसीएम 6 हैं वो इस वक्त थाने पर मौजूद हैं, अंदर उनकी मंत्रणा चल रही है, पत्रकारों को कवरेज नहीं करने दिया जा रहा है, साथ में वो इस समय आकर वहाँ थाने के अंदर क्या उनकी मंत्रणा चल रही है इस पर हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि उस समुदाय के कुछ लोग यहाँ आकर थाने में बैठे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएँ किस तरीके से वो लोग इस रात में ठंड में यहाँ आकर बैठे हुए हैं सभी लोग, और एसीएम 6 जो हैं आप देख सकते हैं, मैं कैमरे मैन से कहूँगा कि जूम करके अंदर की तरफ दिखाएं किस तरीके से एसीएम 6 और प्रशासनिक अधिकारियों की अंदर बातचीत चल रही है, क्या प्रकरण है पूरा, हम आपको इस खुलासे के साथ हम आपके साथ परमानेंट लगे हुए हैं और देखते हैं क्या इसका रिजल्ट निकल के आता, क्या था पूरा मामला, क्या वाकई में वहाँ हो रहा था धर्मांतरण या कोई और थी वजह, इस पर हम लगातार आपके साथ हैं। एएचएन न्यूज टीम पूरी आपको लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रही है कि किस तरह से पत्रकार साथियों को अंदर ना ही कवरेज करने दी गई वहां, ना ही सही जानकारियां दी जा रही हैं, क्या है पूरा मामला, इसके लिए बने रहे हमारे साथ। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार चर्च को संचालित करने वाले पादरी को पुलिस ने लिया हुआ अपने हिरासत में, अब ऐसे में देखना यह होगा कि उक्त चर्च के पादरी पर कोई विधिक कार्रवाई चलेगी या होगा सेटिंग गेटिंग का खेल। कानपुर से क्राइम रिपोर्टर उमेश भार्गव की खास रिपोर्ट। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, अधिकारी लगातार बयान से बचते रहे, आखिर में जो निचोड़ आया अभी तक संपूर्ण जांच नहीं हो पाई है, जांच अभी प्रगति पर है, जबकि बीजेपी के मंडल कार्यकर्ताओं के द्वारा उस चर्च पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो कि सवालिया निशान उठाते हैं हमारे इस क्षेत्र के में हो रहे कार्यक्रम को लेकर, और दूसरी बात एक और सामने सूत्रों से आई है कि बताया जा रहा है कि वहाँ एक संकीर्तन का 3 दिवसीय कार्यक्रम था, तो क्या इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी लोकल जिला प्रशासन को थी या नहीं थी, ये बहुत सारे कुछ गंभीर मुद्दे हैं, जबकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार एवं कानपुर जिला प्रशासन कोविड का खतरा अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं भी धारा 144 हमारे पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू, तो इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई, किस लिए इकट्ठा हुई, ये सारे सवालों के जवाब के लिए बने रहे हमारी टीम के साथ, कैमरामैन इरफान के साथ, क्राइम रिपोर्टर उमेश भार्गव, एएचएन। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक, मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक, जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश, यहां हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज 24।